अरे यार ये ट्रैक्टर तो पकड़ना ही मत, तुम रहने देना। सर ये 18 साल पुराना ट्रैक्टर है। कोई बात नहीं यार, खेती तो कर रहे हैं बेचारे, कौन सा उस पर शराब ढो रहे हैं, ठीक है ना। समझा देना उनको, शहर बाजार ना लेके जाए। जय हिंद साहब। जय हिंद। अच्छा सर एक रिक्वेस्ट थी, वो माँ बीमार है तो छुट्टी चाहिए थी। अच्छा लगता है माँ से बहुत प्यार करते हो। हाँ सर, मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ सर, और आप तो जानते ही हैं सर, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है ना तो सिर्फ माँ के चरणों में है सर। और सर मैं तो अपनी माँ का इतना बड़ा भगत हूँ कि सर मैं माँ की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता। अगर सर मैं पुलिस में भी भर्ती हुआ ना तो वो भी सिर्फ माँ की इच्छा की वजह से हुआ हूँ। और सर अब मेरी माँ बहुत बीमार है सर, मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है, चले जाओ जाओ। कब आओगे, एक दिन की छुट्टी? जी सर। ठीक है सुनो। जी सर। तुम्हारी माँ सचमुच बीमार होती तो भी क्या तुम ऐसे सज धज के जाते? सेंट छिड़क रखा है तुमने, टी शर्ट पहन रखी है, सज धज के जा रहे हो, क्यों अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को बीमार करते हो? क्या हम छुट्टी के लिए मना करते हैं? लेकिन छुट्टी सच बोल के भी तो ली जा सकती है। अरे मैं कभी मना नहीं करता, आपस में एडजस्ट करो चले जाओ, पर कोई जरूरी काम तो होना चाहिए ना। झूठ बोल के किसी बेवजह जाओगे ये गलत बात है। ध्यान रखो मैं छुट्टी के लिए कभी किसी को मना नहीं करता, लेकिन सच बोल लो और बेवजह मत जाओ। कोई काम सचमुच हो तो जाओ, पुलिस को बहुत काम है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की पुलिस के ऊपर है, ठीक है ना, जाओ। लेकिन झूठ नहीं बोलना कभी। सर अगर सर आप जैसा सीनियर हो ना तो कभी सर झूठ बोलना ही ना पड़े। तो ठीक है। हाँ ये क्या था भाई, ओए अमित गिफ्ट 1 नंबर का लाइए, और मेरा वाला तो भूल मत जाइए। बिल्कुल। हाँ भाई के बात के मामला है, हमें ना बता रहा कुछ भी। अब यार कुछ ना किसी काम से जा रहा हूँ यहाँ तक ही। इतना बड़ा मूर्ख मत बनावा, हम तेरे नस नस वाकिफ हैं। हम सब जाने हैं कितना बड़ा कमीना है तू। अब बस तुम जैसे यार हो गए सहारा, उस दिन जो गश्त दी थी ना तुमने वो काम हुई है यार। है? क्या क्या हुआ? अरे हम वहाँ गश्त दे रहे, पहले तो कुर्सी लाई अजी, हाँ। और फिर चाय बनाई और फिर प्यारी प्यारी बात करी। मजे ले रहे हो, बात बन गई पूरी। अरे यार बात सारी फाइनल होगी, मैं जा रहा हूँ गिफ्ट लेने यार, मुझे जान दो मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है गिफ्ट। अरे यार इनका तो हो गया, अपना कैसा होगा, कुछ तो सोच। अरे सोचना के, जैसे इनको आया ऐसे ही अपना होगा, एक गस्त अपने नाम की भी सही। चल भीतर को। बस सुनो और पाली, किसी के दिल में घंटी बज रही और किसी के में टाली और कोई है खाली। सही कह रहे हो सेरा, पर मेरे पे सकमत किया करो, असली तुम ही हो मेरा। अब फिर यू गंजा बार बार क्यों लगावे हैं फिरा? सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर गांव का माहौल बहुत खराब है, अगर आप कहो तो रात को गश्त पे चले आए। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा हाँ लेकिन रात को चौकी में निगरानी पे कौन रहेगा? सर सुरजीत जी रह लेंगे। हाँ जी सुरजीत जी। जी सर। रात को निगरानी आपकी है आज? जी सर, जैसा आपका आदेश। ठीक, काश आज रात को चाय की दुकान और खुली रह जाए। ठीक है। आ जाओ त्यागी। आ जाओ। ओहो पहले तो 2-4 चक्कर लगाएंगे, उसके बाद घर आएंगे और उसके बाद कुर्सी आवेगी। कुर्सी ना, कुर्सी के बाद चाय भी आवेगी। अरे चाय के साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे। आज तो बहुत बढ़िया टाइम कटने वाला भाई। यार बस मिल जाएंगे। अरे क्यों ना मिलेंगे, चलेंगे तो क्यों ना मिलेंगे। अरे कौन हो तुम? पुलिस वाले हैं हम। पुलिस? पुलिस? ओ भैया हम बड़े अच्छे मूड में, हमारा मूड खराब मत करे। अरे हमसे बैठेगा तू? अरे भैया हमने बैठना है तो जा अपना काम कर ले। अरे तू चाह क्या रहा, तू चला जाना यहाँ से, गांव तेरा इलाका, तू चला जाना भैया यहाँ से। अबे यार इसका तो सर फूट गया।
और लगवा ले ड्यूटी, ये मरा हुआ सांप और गले में डाल लिया यार बिना मतलब के। अरे उठ जाओ, जो होना तो हो गया, इसे डॉक्टर पे ले चले। भाई आराम से आ जा, उससे यार हम कुछ कह रहे थे क्या, बिना मतलब दारू पी के चढ़ जाओ यार घर में, दो रुपए घर में नहीं होते, दारू को पैसे मिल जा। मैं तुम्हें अब बन जा मैं बादशाह यार, मुझसे स्टार्ट भी ना हो रही हो, आराम से बैठे रहिए, गिर जाओगे थी तुम, वापिस ले लो यार। दरोगा जी, आपके हवलदारों ने गरीब आदमी का सिर फोड़ दिया, आपने उन पे क्या कार्रवाई की? गरीब आदमी का सिर फोड़ दिया, अभी क्या मामला है? पता नहीं सर। दरोगा जी ज्यादा भोले मत बनो, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी खबर बनेगी और हाईलाइट खबर बनेगी। क्या तुम रोज बिना बात की खबर बनाते रहते हो, कोई अच्छी खबर भी बना ले करो। अगर आप चाहते हैं खबर ना बने तो ये मामला यही निपटा लो। वो कैसे? दरोगा जी हम है ना, देखो पत्रकार बने हो तो पत्रकारिता करो, दलाली मत करो, और दलाली करनी है तो पत्रकारिता छोड़ दो। अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में क्यों पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हो? मैं तुम्हें कई बार समझा चुका, फिर समझा रहा हूं, और अभी बहुत प्यार से समझाया है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं समझाने के। चले जाओ। दरोगा जी एक बार और सोच लो, फिर बता देना। क्या मामला भैया? पेंसिल दे उठा। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ भाई, रात किसका सर फोड़ दिया तुम लोगों ने? सर हमारी कोई गलती नहीं थी, एक आदमी शराब पी के हमसे उलझ रहा था। सर हम तो उसको घर छोड़ कर आए थे, पट्टी भी करा दी और समझा भी दिया, वो तो मामला ऊपर नहीं ले जा सकता, उसे तो जरूर किसी ने उकसाया है। अरे भैया ध्यान से ड्यूटी करो, मामला ऐसा है ऊपर गया ना तो हो सकता है तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए। सर अब तो आप ही हमें बचा सकते हो। जय हिंद सर। जय हिंद। ये हम क्या सुन रहे हैं राजपाल सिंह, क्या गुंडागर्दी मचा रखी है? तुम्हारे हवलदारों ने किसी गरीब आदमी का सिर फोड़ दिया। सर मेरे ख्याल से इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात होगी, मैं जांच कर लेता हूँ। तुम मुझे छोटी बात कह रहे हो, ये बात कप्तान साहब तक पहुँच गई है, जल्दी से जल्दी हवलदारों को सस्पेंड करो वरना मामला बिगड़ सकता है। सर इस मामले में इतनी जल्दबाजी करने के बजाय मुझे आप एक दिन का टाइम दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए और इतनी जल्दबाजी में इनको सस्पेंड मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से एक दिन का समय दे रहा हूँ, मुझे कल तक इसकी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे के बात सचिन, इतने बाते पे के हो गया, तड़की ते पड़ा के बात हुई भैया? प्रधान जी रात में गली में जा रहा था, पुलिस वालों ने मुझे पीट दिया बिना वजह। पुलिस वालों ने पीट दिया? पुलिस वालों का दिमाग खराब हो रहा है। दुर्गा जी राम राम। राम राम जी। राम आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ। आ रहे हैं जी, बस एक छोटी सी समस्या थी, मैं आपके पास आया हूँ। क्या बात हुई? क्या बताऊँ प्रधान जी, रात किसी गाँव वाले ने हमारे पुलिस वालों से झगड़ा किया और सुबह उल्टा उनकी शिकायत करी आया। ए भाई तेने तो ना करा, यू ही बता रहा पुलिस वालों से झगड़ा हुआ मेरा। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें पता है कि पुलिस के काम में बाधा डालने के मामले में तुम्हें आईपीसी की धारा 186 के अंदर बंद हो जाओगे, और इसके साथ साथ धारा 295, 332 और 353 लगेंगी, अंदर हो जाओगे बाहर नहीं आ पाओगे, जमानत नहीं हो पाएगी, समझ गए ना? सर माफ़ कीजिएगा, वो तो नेताजी ने मुझे भड़काया था। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो, दूसरों के चश्मे से मत देखो। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, सारा जीवन खराब हो जाएगा। ये तो प्रधान जी है, मैं इसलिए इधर आ जाता हूँ। प्रधान जी समझाओ इन लोगों को। अरे क्या बताऊँ, बालक ही है। अरे मारूँगा कान पे एक, पुलिस वालों से भिड़क रहे। देखिए दरोगा जी तेरी जान बचाने लग रहे, अन्य तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ गया, जेल में सड़ेगा सारी जिंदगी। माफ कर दो दरोगा साहब, माफी मांग आज के बाद। माफी मांग आप देख लीजिए प्रधान जी, ठीक है ना?
और इससे लिखवा दीजिए, माफीनामा लिखवा दीजिए। तो उधर दरोगा जी, मैं वहीं चौकी में इससे माफीनामा लिखवा के साइन करवा के वहीं भिजवा रहा। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाय तो पीते जाओ। प्रधान जी बाद में पियेंगे। चले गए क्या? मैं तो चाय बना रही थी। ले इसे ले जा। अरे तू सुधर जा, समझ गया? आज के बाद ना सुन लूं मैं तेरी। ये तो बहुत भले हैं जो तेरी जान बच गई है। कोई और होता ना अब लो तुझे सीख चो में बंद कर देता। प्रधान जी आज के बाद ऐसा होने का ही है। जा। ठीक है प्रधान जी।